अर्जी चढ़ावे लना अगे मई कौन बाबा अर्जी चढ़ावे ये जो शादी का वीडियो आप देख रहे हैं, देखने में ये तो एक साधारण सी शादी का वीडियो लग रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब ये एक साधारण सी शादी का वीडियो है तो हम इसे न्यूज में क्यों दिखा रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि ये शादी तो साधारण ही है, पर इस शादी के पूर्ण होने के पीछे की कहानी बड़ी मार्मिक और प्रेरित करने वाली है। दरअसल इस शादी में जो कन्या है वो पिछले दिनों कश्मीर में आतंकी हमले में मरे भागलपुर के रहने वाले गरीब गुपचुप विक्रेता वीरेंद्र पासवान की बेटी है और जो वर के रूप में मौजूद है वो पीरपैंती विधानसभा से विधायक ललन कुमार पासवान के रिश्तेदार हैं। और इस शादी में जो खास बात है वो ये है कि कन्या विधायक जी की कोई रिश्तेदार नहीं है और ना ही जान पहचान की, फिर भी इस शादी का पूरा खर्च और जिम्मेवारी विधायक ललन पासवान ने खुद ही उठाई है। अगर आप अब भी पूरी बात समझ नहीं पाए तो हम आपको पूरी बात बताते हैं। हमारे भागलपुर जिला के जगदीशपुर प्रखंड के वादी निवासी शहीद वीरेंद्र पासवान जी कश्मीर चले गए थे और वहाँ ठेला पर गोल गप्पा गुपचुप बेच करके अपने परिवार का जीवन यापन करते थे, लेकिन आतंकियों ने जो प्रवासियों पर दहशत फैलाने के उद्देश्य से उनकी हत्या कर दी और उसी से उनसे वादा किया, बहन अब पति तो आपका वापस नहीं आ सकता, लेकिन आज से आप हमको अपना भाई मानिए और आगे भी आपका भाई और बाकी बच्चों का मामा बनकर हम देखभाल करेंगे। आपकी तीनों कुमारी बेटियों की शादी हम मामा बनकर खड़ा होकर कन्यादान करेंगे और करवाएंगे, ये मैं इस वहां से वादा करके। विधायक ललन कुमार पासवान ने मानस मामा बनकर कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए वीरेंद्र पासवान की बेटी नीतू की शादी करवाई। ललन कुमार ने अपने ही रिश्तेदारी में बंधन बैंक के कर्मचारी झारखंड के महगामा निवासी राजेंद्र से अपनी मानस भांजी की शादी कराई। बीते एक महीने से ललन पासवान शादी की तैयारी में जुटे थे। अपनी पत्नी के साथ शादी के सभी रस्मों के साथ साथ कन्यादान का भी रस्म निभाया। हालांकि कोरोना काल में कम लोगों के बीच शादी संपन्न हुई, वहीं ललन पासवान की उदारता की चर्चा पूरे भागलपुर में हो रही है। मीडिया से बात करते हुए ललन कुमार रो पड़े। उन्होंने कहा कि जब कश्मीर में भागलपुर के पानी पूरी विक्रेता वीरेंद्र पासवान को आतंकियों ने मार दिया था तब मैं उनके परिवार से मिला था। इनके चार बेटी है, एक की शादी हो चुकी है, एक बेटी सयानी थी। मैंने वीरेंद्र जी की पत्नी से वादा किया था कि मैं मामा बनकर तीनों बेटियों का कन्यादान करूंगा। आज हमने अपने ही रिश्तेदार से भांजी नीतू की शादी करवाई। उसके घर को सवारने के लिए, सजाने के लिए, उसकी कोई भी खुशियों को वापस दिलाने के लिए मैं फिर कहता हूँ, चुटकी भर लोग हैं जो उजाड़ने का मंशा रखते हैं, विशाल समुदाय है जो बसाने में विश्वास करते हैं। आप ये देखिए मंडप, ये साकिब अशरफी अपने हाथों से जमीन, साकिब अशरफी, नियाज उस्मानी, अख्तर, इन लोगों ने अपने हाथों से, लहराब अकरम, इन लोगों ने अपने हाथों से सजाया है जो कोई प्रोफेशनल लोग नहीं है। आइए मैं इधर दिखाता हूँ, एक एक चीज, एक एक आप एक एक बर्तन, एक एक चंदन मिलकर हम लोगों ने खरीदा है, परचेज किया है। कल हम लोग गए थे, हम गए, जमील गए, अख्तर गए और लड़के के घर जाकर पलंग पहुंचा के आए, ड्रेसिंग टेबल, गोदरेज, उसका टेबल, कुर्सी सब जाकर ये किए। इवन की हम लोगों ने वहाँ फिट वगैरह सब करके आए हैं, वहाँ भी लड़के वाले को भी हम लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम सब यहाँ पर एक हैं और फिर कहते हैं कि भटके हुए लोगों को भी एक न एक दिन रास्ते पर आना होगा। उन्होंने कहा कि मैं बिहार में सबसे गरीब विधायक में से एक हूँ, इसी गरीबी के साथ हम भांजी को विदा कर रहे हैं। नीतू की माँ ने कहा कि विधायक भैया मेरी बेटी का कन्यादान कर रहे हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत खुशी छे माँ, हमारा विधायक भैया कन्यादान कर रहे छे बेटी रो, बहुत खुश छे सब परिवार, एकदम पूरा खुशी छे। विधायक जी मामा बन के आज आपका कन्यादान कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगता है, इनको बहुत खुशी है। बता दे बीते वर्ष 5 अक्टूबर को भागलपुर के जगदीशपुर के वादे गांव निवासी वीरेंद्र पासवान की हत्या आतंकवादियों ने कर दी थी। वीरेंद्र वहां पानी पूरी बेचते थे,
उनका पूरा परिवार अकेला हो गया, लेकिन विधायक ललन पासवान उनका सहारा बने। आज आपके पति भी पिपैती विधायक के द्वारा एक अपनी मानस भांजी का कन्यादान किया जा रहा है, इसको कैसे देखती है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा सौभाग्य हमको लगता है कि बहुत कम लोग को, लेकिन हमको बहुत अच्छा लग रहा है और हम दोनों मिल के कर रहे हैं। पहले तो हम लोग को इतना विश्वास नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन कि मामा बन के कर रहे हैं और पहले इतना कि नहीं था कि करेंगे, तो आज कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आज ये मामा बन के कर रहे हैं और दूसरा मामा बनने हम आए, क्योंकि हमारे विधानसभा नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के वो मजदूर आते थे, कश्मीर में गोली चलने से उनकी मृत्यु हो गई, तो हम इस शादी में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के निर्देश पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मुझे भी जाना था लेकिन मेरा अन्य जगह कार्यक्रम लगा हुआ था, लेकिन आप मेरे प्रतिनिधि के रूप में जाइए, और चूंकि हमारा भी कर्तव्य था, हमारे विधानसभा क्षेत्र की जो है बच्ची है और हम मामा बनने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए जो है हम आदरणीय यहाँ के विधायक ललन पासवान जी का आभार व्यक्त करते हैं। इस देश में कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना जाता है और ये परम सौभाग्य हम लोगों को मिला है, इससे बड़ा कुछ नसीबी की कोई बात नहीं हो सकती है। आप लोगों ने कैसे तैयारियाँ की है इसकी? तैयारी जैसे अपने बेटे के लिए तैयारी किया जाता है, हम लोगों ने अपना बेटी समझ के ही उसे तैयारी किया है, सब चीज़ बहुत अच्छे से देख। फिजूल बर्बादी का कोई यहाँ सवाल ही नहीं है, हमारी बहन की शादी और ये कभी अनर्गल हो ही नहीं सकती है, इसमें फिजूल और बर्बादी वाली कोई चीज़ नहीं, हमारी बहन की आज शादी है, हम लोग सभी खुशी से इसको अपने तह दिल से इसको मना रहे हैं और इसको सजा रहे हैं और सभी लोग इसमें लगे हुए। मेरे मुझे लगता है समाज के हर व्यक्ति को जैसे उसके एक परिवार की जिम्मेदारी होती है, वैसे ही एक समाज का नागरिक होने के नाते समाज की भी जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है, उसके पड़ोस का आदमी, उसके समाज का आदमी, उसके शहर का, उसके गांव का, उसके देश का आदमी, अगर वो पीड़ित है, दुखी है, तो एक जनप्रतिनिधि का क्या कर्तव्य होता है और क्या होना चाहिए, और उसकी उसने अपने कर्तव्यों का जब बोध हो जाए तो उसको अपने कर्तव्यों का कैसे निर्वहन करना चाहिए, ये सीखने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि ललन जी ने जो एक संदेश दिया है सभी लोगों को, अपने समाज को लेकर के चलना, जो भी पीड़ित है, शोषित है, जो हमसे उम्मीद रखता है, जिन लोगों ने, जिन जनता ने एक विश्वास के साथ इन्हें विधायक बनाया, इस पद पर पहुँचाया, तो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना ये परम उद्देश्य हो जाता है। अपना बेटा जो है विधायक ललन कुमार ना बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अपना कैसा लागे छे काम? बहुत अच्छा, बहुत भलाई हो रहा है हमारे बेटा, बहुत बहुत भलाई कर रहे गरीब, बहुत अच्छा कर रहे, फल हमारे बेटा को मिलते है। की कहल चाहे और समाज के लोगों का इसमें की करना चाहिए? समाज का अच्छा करना चाहिए, यही करना चाहिए, समाज का ऊपर कर देना चाहिए, कोई गरीब लेकर उठा देना चाहिए, बेटी बहन केकरो कुमारी छे केकरो मदद कर देना चाहिए। अश्वनी कुमार के साथ पवन पांडे की खास रिपोर्ट।